सब फाइटर होता है। टीम आई एम का बंदे लोग इधर शॉट दे रहे तुम लोग ऊपर। चलिए एक बार हम लोग जोन के अंदर किसी फाइट देखते हैं। टीम फनाटिक के ऊपर रिवेंज के थ्री लोग ने किल टू सर्वाइव किया, बैरी को नॉक किया, आई एम ज़ेरफ ने किल टू सर्वाइव किया, ऑसम को डाउन किया, रिवेंज को थ्री लोग को स्पॉट कर चुके हैं। फनाटिक का परितोष कोशिश कर रहे हैं, इधर गाड़ी आ रहे हैं, अक्षय को नॉक कर रहे हैं, कोशिश अगर स्प्रे करेंगे तो शायद अक्षय डाउन हो सकते हैं। अक्षय को स्काउट ने डाउन कर दिया, बहुत ही बढ़िया, गाड़ी फोड़ गया स्काउट ने, गाड़ी फोड़ के थ्री लोग को डाउन कर दिया, दो किल्स इधर मिल जाएंगे अगर कोई रिवाइव देने के लिए नहीं आया तो। एंड जिक्सो को ऑलरेडी स्पॉट कर चुका है स्काउट परितोष, रिवाइव देने के लिए आना पड़ेगा। और सर जॉन ने फुल पास साइफर को डाउन किया, ये वाला पोजीशन बहुत ही क्रूशियल है। टीम स्काउट टीम फनाटिक के स्काउट सामने सोल के वाइपर ने रियल भी डाउन फॉर द विन को डाउन किया। वेक्टर से चलिए उधर वाला फाइट देखते हैं, टीम सोल वर्सेस टीम ऑल स्टार, शायद ऑल स्टार का पूरा स्क्वाड आई पॉड हो सकता। तीन किल्स है, तीन बंदे अभी भी अलाइव है। टीम सोल क्लच गॉड इधर M249 को फिर से रिलोड करते हुए पूरा बुलेट भरते हुए सामने फाइट हो रही। टीम ऑल स्टार से शायद टीम फुल पावर के पूरा स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया। और इसके साथ एक और बंदे हम लोग सर देख सकते हैं, ज़ेरफ ने बहुत ही बढ़िया काउंटर फायर दिया, ज़ेरफ को डाउन कर दिया। फनाटिक ओवेस को जोन के अंदर जाना पड़ेगा 19 मीटर और लास्ट जोन है, लास्ट सिक्स जोन है अभी तक, सिक्स फेज का जोन, तो उधर को ज्यादा डैमेज लग सकता है ऑन टाइम अगर जोन के अंदर ना आए तो जोन के अंदर आने में कामयाब तो हो जाएंगे। एंड फनाटिक परितोष को मैं देख पा रहा, स्काउट भी बहुत ही बढ़िया, ये कंपाउंड होल्ड कर रहा है टीम फनाटिक, कंपाउंड होल्ड करके 12 किल्स ले लिया है। रिवेंज का फुल स्क्वाड तो इधर आ चुका है, उनमें से एक बंदा खत्म हो चुका है। जिक्स और सोनिक एंड त्रिलोक हम लोग देख पा रहे सामने कर रहे हैं, उनके राइट पे हम लोग देख पा रहे टीम MX मेगा एक्स का स्क्वाड, ट्विस्टर गॉड, MX पैराडॉक्स, स्वैग, उनके भी राइट की तरफ देख पा रहे। जोन के एच पे है टीम नंबर 11, कोई भी टीम शायद अभी जोन के अंदर नहीं है। ऑल स्टार के शैडो ने सोल की क्लच गॉड को नॉक किया, ऑल स्टार के शैडो के ऊपर चलते हम लोग, क्लच गॉड को नॉक करे कंफर्म ही कर दिया। सोल के दो बंदे रेगल्टॉस एंड वाइपर, वो लोग थोड़ा होल्ड करते हुए वाइपर एंड रेगल्टॉस सोल के बहुत ही करीब। ऑल स्टार शैडो तो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे, 11 किल्स आर देयर फॉर टीम ऑल स्टार्स। लेफ्ट की तरफ तो गाइस बहुत ही बढ़िया फाइट हो रही है, जिससे अभी तक लाइक नहीं किया गाइस लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग ऐसी अच्छा अच्छा फाइट्स देखने पसंद करते हो तो। देख पा रहे टीम सोल की तरफ, टीम फनाटिक के ऊपर, फनाटिक के सामने टीम रिवेंज स्पोर्ट्स मूव किया गया इधर फनाटिक के ऊपर करके जोन के अंदर जाने का डिसीजन है। गाड़ी लेके शायद जोन के अंदर जाके स्लैम इन अभी इसी मोमेंट पे करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जोन के सेंटर पे जाके होल्ड करता टीम फनाटिक तो एक नेक तो कैजुअल्टी टीम फनाटिक के ऊपर होने ही वाला। जैसे गाइस पूरा मैप में स्मोक ही स्मोक एंड फनाटिक्स ओवेज जोन के अंदर आ चुका है, ऊपर से रिवेंज थ्रिलोक को नॉक कर दे, रिवेंज थ्रिलोक वाज देयर मेन, पीछे से जो कवर दे सकता था शॉट दे सकता था फनाटिक ओवेज को, ओवेज से शॉट करने को सोल वाइपर को फनाटिक ओवेज ने नॉक कर दिया। अभी रेगल्टॉस है, ओवेज कोशिश करेगा उसको कंफर्म देने का एंड रिगल्टॉस को भी नॉक करने का कोशिश करेगा। सामने तरफ स्मोक आ चुका है एंड परितोष आ चुका है कवर के अंदर, परितोष में भी नॉक हो सकता है एंड परितोष गाड़ी फोर के परितोष नॉक, स्काउट ओबी भी नॉक, रिवेंज सोनिक फनाटिक स्काउट ओबी को डाउन किया। रौनक इधर फिलहाल देख पा रहे, रौनक कैसे कवर देगा अपनी टीम को, रौनक भी नॉक हो सकते हैं। टीम फनाटिक इज इन डीप ट्रबल, अकेला ओवेज के ऊपर है पूरा टीम को हैंडल करना, ओवेज शायद अपनी टीम को रिवाइव, फनाटिक इसको तो रिवाइव दे देंगे, स्काउट को रिवाइव देना इज नॉट दैट नॉट पॉसिबल आई गेस, ओवेज तो परितोष को रिवाइव देगा। दो बंदे मिलके खेलना पड़ेगा उनको, टीम 8 बीट अभी क्लोजिंग कर रहा है, वो लोग के सबसे ज्यादा एडवांटेज यही कि वो जोन के अंदर आ चुका है टीम फनाटिक, अभी तक एक बंदा तो एटलीस्ट आ चुका है, तो एक बंदा फिलहाल परितोष को हील हो जाएंगे। स्काउट ओपी एंड फनाटिक रौनक इधर डाउन हो चुका है, परितोष एंड ओवेज दोनों बंदे फिलहाल देख पा रहे। 7C स्पोर्ट्स के जिक्सो रिवेंज के शॉट निकलो जोन के अंदर, जिक्सो जोन के अंदर आने के टाइम देखा एक्स के स्क्वाड इधर वाइप कर दिया, टीम रिवेंज में भी इधर वाइप आउट हो सकते हैं, टीम 8 बिट के ऊपर चलते 8 बिट इधर शायद सोल के रिकॉर्ड अभी बचे हैं, 8 बिट का आईटी प्रिंस तरफ लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। देखो गाइस कैसे बीच वो फिलहाल लेटे हुए, गाड़ी फोड़ दिया गया 8 बिट आईटी प्रिंस लेटे हुए थे, लेकिन उसको दिखाया वो खड़ा हुआ है, बैंडेज लगाते हुए 8 बिट आईटी प्रिंस जैसे जोन बनाया फिर से टीम ऑल स्टार्स के ऊपर पूरा जोन बन चुका है। ऑल स्टार्स इस मैच को चिकन रन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट से हम लोग बोल सकते हैं इस मैच के लिए, इसे वो जोन के अंदर विद 4 मैन MX का पैराडॉक्स ने ऑल स्टार्स अविस्टा डाउन किया, स्वैग ने फनाटिक ओवेस को डाउन किया, फनाटिक ओवेस को कंफर्म कर दिया गया शायद, परितोष को स्वैग ने एक स्प्रे से दो बंदे को डाउन किया। टीम फनाटिक गेट्स एलिमिनेटेड विद 10 किल्स एट रैंक 6 गाइस, हम लोग 12 किल्स एट रैंक 6। टीम ऑल स्टार्स के पूरा स्क्वाड हम लोग जोन की तरफ आते हुए देख पा रहे हैं, धीरे धीरे स्मोक करके पूरा जोन की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ से पीछे की तरफ से फ्लैंक करते हुए 8 बिट आई डिफेंस, उसके पास घिली सूट है जो टेरेन वाला घिली सूट, ये बहुत ही एडवांटेज दे सकते हैं उनको। लेवल 2 का हेलमेट तो अगर लेटे पर कोई हेड शॉट देगा तो उसको इतना ज्यादा डैमेज थोड़ा कम लगेगा कंपेरेटिवली विदाउट एनी हेलमेट। लेवल 3 वेस्ट पूरा डैमेज हम लोग देख पा रहे हैं रिवेंज के साथ, MX का पैराडॉक्स शायद नॉक्ड हुए थे एंड चार टीम पे अलावा सोल के रिजल्ट अभी भी अच्छे, फनाटिक पूरा स्क्वाड वाइप आउट हो चुका है, टीम ऑल स्टार्स के चार बंदे, टीम मेगा एक्स का तीन बंदे बचे। लास्ट मैच में टीम मेगा एक्स थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली पहले खत्म हो गया था, लेकिन इस मैच में वो लोग बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए तीन प्लेयर अभी भी बचे टीम मेगा एक्स, सोल रिजल्ट जोन के एच पे तरफ देख पा रहे हैं। टीम 8 बीट का आईटी प्रिंस और उसके बंदे एश वो लोग भी जोन के अंदर आने में कामयाब हो जाएंगे, देखना पड़ेगा।
निकालते समय देख पा रहे धीरे धीरे क्रॉलिंग करते 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 बनाने की कोशिश। विस्टर को स्पॉट कर लिए जॉन उनके सामने, कोशिश करेगा ट्विस्टर गॉड को नॉक किया और शैडो को 8 बिट आईटी प्रिंस डाउन किया। तीन टीम्स स्टिल देयर, इट्स आईटी वर्सेस सोल वर्सेस टीम ऑल स्टार्स, टाइप ऑल स्टार्स और चिकन डिनर लेंगे, लेकिन ये देखना पड़ेगा सेकंड में कौन है। टीम थ्री बंदे हैं टीम ऑल स्टार्स के, 8 बिट का एश इधर डाउन विस्टर ग्रेनेड से एश, टीम 8 बिट में खत्म हो चुका है। सोल वर्सेस टीम ऑल स्टार्स क्या रिजल्ट्स, 1v3 क्लच कर पाएगा, चैट में स्पैम करते रहो फेवरेट टीम का नाम, क्या लगता है ऑल स्टार्स क्या चिकन डिनर लेगा या फिर सोल के रिजल्ट्स इधर 1v3 क्लच कर लेगा को एग्जैक्टली पता नहीं। शायद अभी इस टाइम पे उठ के वो अगर दो बंदे को डाउन कर दे ऑल स्टार को, जॉन को डाउन किया, विस्टर को डाउन कर सकते हैं, नहीं कर पाया। बिलीव लेफ्ट की तरफ देख पा रहे, बिलीव फूटते गुटते आ रहे, बिलीव शॉट स्पॉट कर लिया, बिलीव को नॉक करने को, बिलीव को बहुत ज्यादा डैमेज दिया, तो रिगार्ड उसके ऊपर से जा रहे पूरा शॉट्स। उठ चुके हैं अभी स्टार, जॉन को कंफर्म करने की कोशिश है, लेफ्ट अभी सर फिर से ले चुका है टॉस, एंड अभी सर को स्पॉट कर लिया, सर ने स्पॉट कर लिया टॉस को। फाइनली टीम एमवाईएम ऑल स्टार्स गेट्स द चिकन डिनर, सेकंड पे है टीम सोल विद थ्री किल्स, फर्स्ट पे टीम एमवाईएम ऑल स्टार्स, बहुत ही बढ़िया जोन एडवांटेज मिल गया था उसके लिए, उसमें बहुत ही बढ़िया डोमिनेशन दिखा, 18 किल्स निकाले इस मैच में टीम ऑल स्टार्स, कल के सारे सब कुछ का कंपेंसेशन दिखा दिया इस मैच पे, 18 किल्स विद चिकन डिनर भाई, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक।